अरे दोस्तों, वापस स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर्स ने दुनिया को कैसे बदला है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलो वापस चलते हैं 1940s में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का जन्म हुआ था ईनियाक के साथ। ये विशालकाय मशीन वैक्यूम ट्यूब्स से चलती थी और पूरे कमरे को घेर लेती थी। ये आपके स्मार्टफोन से भी धीमी थी, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन थी। अब आगे बढ़ते हैं 1950s और 60s में। ये थी दूसरी पीढ़ी। उन बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स की जगह अब ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। कंप्यूटर्स अब छोटे, तेज और ज्यादा रिलायबल हो गए थे। सोचो, IBM 1401। बिजनेस की दुनिया ने भी अब ध्यान देना शुरू कर दिया था। 1970s में आई तीसरी पीढ़ी। अब आई बारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs की। कंप्यूटर्स और भी छोटे और ज्यादा पावरफुल हो गए। इस दौरान मिनी कंप्यूटर्स का जमाना आया, जैसे कि PDP-8, जिससे टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचने लगी। अब 1980s और 90s का दौर तो रेवोल्यूशन लेकर आया। चौथी पीढ़ी में आए माइक्रोप्रोसेसर्स, जैसे कि इंटेल का 4004 चिप। कंप्यूटर्स अब पर्सनल हो गए थे। हेलो एप्पल ट्री और IBM PC। यहीं से डिजिटल एज की असली शुरुआत हुई। और फिर हम आ गए 2000s में। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लेकर आए। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे एल्गोरिथम्स की जो खुद सीख सकते हैं और बदल सकते हैं। कभी डीप ब्लू के बारे में सुना है? इसने 90s में दुनिया के एक चेस चैंपियन को हरा दिया था। आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस्ड AI के युग में जी रहे हैं। गूगल और IBM जैसी कंपनीज टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ रही हैं। क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स ऐसी प्रॉब्लम्स को सुलझाने का वादा करते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए नामुमकिन है। तो अब आगे क्या होने वाला है? कंप्यूटिंग का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। AI ड्रिवन पर्सनल असिस्टेंट से लेकर मेडिकल रिसर्च में क्वांटम लीप्स तक संभावनाएं अनंत हैं। एक बात तो साफ है कि कंप्यूटर्स ने सिर्फ दुनिया को बदला नहीं है, उन्होंने हमारी असलियत को ही नया रूप दे दिया है। इस सफर में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। टेक सैवी बने रहें।